मई महीने के दूसरे संडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? ये ट्रेडिशन कहाँ से आया? 1908 में एना जार्विस ने अपनी माँ एन रिव जार्विस के लिए एक स्मारक यानी मेमोरियल आयोजित करने का फैसला किया। एना की माँ सिविल वॉर के दौरान एक शांति कार्यकर्ता रही थी और उन्होंने लड़ाई के दौरान दोनों और घायल लोगों की देखभाल की। 1910 में पश्चिम वर्जीनिया जार्विस का होम स्टेट पहला राज्य बना जिन्होंने मातृ दिवस यानी मदर्स डे सेलिब्रेट किया। कुछ ही सालों में बाकी के राज्य ने मातृ दिवस को अपने हॉलीडेज के लिस्ट में जोड़ दिया। सन 1914 में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने मदर्स डे को नेशनल हॉलीडे घोषित किया, जो अब मई महीने के दूसरे संडे में मनाया जाता है। 80 से भी ज़्यादा राष्ट्र के लोग मदर्स डे को मई के सेकेंड संडे को सेलिब्रेट करते हैं। और यही नहीं, 19 राष्ट्रों में मदर्स डे को 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अलग राष्ट्रों में मदर्स डे को इंटरनेशनल वुमेंस डे के नाम से भी जाना जाता है, जो वो मार्च 8 को सेलिब्रेट करते हैं। और कई कंट्रीज में मदर्स डे के अलग अलग डेट्स हैं, जैसे थाईलैंड में अगस्त 12 को और अर्जेंटीना में अक्टूबर के तीसरे संडे को मनाया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।